रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकास खंड में सालों से अवैध गिट्टी रेत कोयला की अफरा तफरी का धंधा फल फूल रहा है। इन अवैध काम को रोकने में स्थानीय प्रशासन रुचि नहीं लेते हैं। इसकी शिकायत होने पर भी अधिकारी कार्यवाही नहीं करते हैं। कार्यवाही नहीं करने का कारण किसी को पता नहीं चलता है। आखिर कारण क्या है कि स्थानीय प्रशासन इन अवैध कारोबारियों पर कार्यवाही नहीं करते हैं? क्यों कार्यवाही करने इन अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं? ये अधिकारी कभी कभार एक आध मामले पर दिखावे के लिए कार्यवाही कर अपनी वाहवाही लूटने लगते हैं। स्थानीय प्रशासन अवैध कार्यों पर रोक नहीं लगा पाने से शासन को हर साल लाखों की राजस्व क्षति पहुंच रही है। धरमजयगढ़ क्षेत्र में चल रहे अवैध कार्य पर रोक लगाने जिला प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हर साल हो रहे लाखों करोड़ों की राजस्व क्षति पर रोक लगाई जा सके। धरमजयगढ़ से चैनल हेड नारायण बाइन की रिपोर्ट।